जनाब आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाली है जो कि मुसर्रत मिसबाह की फाउंडेशन खरीदना चाहते हैं। और साथ में हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि कौन से कॉम्प्लेक्शन के लोग मुसर्रत मिसबाह की सिल्क फाउंडेशन की कौन सी शेड बिल्कुल भी ना खरीदें। फिर ऐसा हुआ क्या ये खरीदने के बाद, तो मैं हैरान हूँ कि पता नहीं इन्होंने इतनी बड़ी गलती क्यों की इन शेड्स को बनाने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाली है जो कि मुसर्रत मिसबाह की फाउंडेशन खरीदना चाहते हैं। और साथ में हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि कौन से कॉम्प्लेक्शन के लोग मुसर्रत मिसबाह की सिल्क फाउंडेशन की कौन सी शेड बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि मैं ना मुसर्रत मिसबाह को खरीदते हुए एक बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ ताकि आप लोग वो गलती बिल्कुल भी ना करें। और साथ में हम इसके शेड्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी गलती तो आपसे बाद में शेयर करूँगी, सबसे पहले मैं आपको मतलब ना इसकी शेड्स की मुकम्मल थोड़ी डिटेल दे देती हूँ, क्योंकि ना मैं भी मतलब फाउंडेशन खरीदने से पहले ना जब मैं गई थी उससे पहले मैंने थोड़ी नेट से सर्च भी की थी और मैं आइडिया भी किया था कि कौन सी शेड मुझे लेनी है, मतलब घर से मैं सर्च करके बाकायदा गई थी। और अगर आप लोग भी नेट से सर्च करें तो हमें पता चलेगा कि मतलब ना ये जो मुसर्रत मिसबाह की सिल्क फाउंडेशन होती है ना, इसकी 13 शेड्स हैं, 13 मतलब उन्होंने शेड्स निकाली हुई हैं। अब हम लोग मतलब मैं उसमें से काफ़ी सर्च करके गई थी। अब आप लोग भी जो चार्ट देखें ना, तो चार्ट से आप लोगों को अंदाज़ा होगा मतलब ना कि देखिए ये जो फेयर से नीचे तक ये थोड़े थोड़े हमें डार्क लग रहे हैं, लेकिन फेयर हमें बहुत गोरा चिट्टा लग रहा है। और ये जो न्यूड है, ये तो न्यूड भी हमें मतलब काफ़ी फेयर लग रहा है। न्यूड से ऊपर ना 2 ही शेड्स बचते हैं, इवोरी और उसके बाद है परोसिलेन। जो परोसिलेन है वो तो बिल्कुल पीला और चिट्टा अजीब सा कलर, वो तो बंदा सोच ही नहीं सकता खरीदने का। तो मैं भी ना ये चार्ट देख के गई थी और कुछ मैंने ना दिमाग में वो होता है ना जिस तरह दिमाग में चीज़ें घुसी होती हैं मॉर्निंग शोज देख देख के और नेट पर वीडियोज़ देख देख के, मैंने ये सुना हुआ था कि मतलब ना बल्कि सुना कि अब वो दिमाग में एक चीज़ बस गई थी कि हम पाकिस्तान लोग ना हमेशा ये गलती करते हैं फाउंडेशन खरीदते वक्त, ये गलती करते हैं कि हम लोग ना मतलब अपनी जो स्किन टोन होती है उससे हम लोग ना हमेशा चिट्टी वाइट वाली फाउंडेशन ले लेते हैं, जिसकी वजह से बाद में हमारा मेकअप ग्रे भी हो जाता है। तो मैंने इतनी वीडियोस देखी थी, मैंने कहा था नहीं मैं कोशिश करूंगी मतलब ना बिल्कुल अपने स्किन टोन के साथ ना मैच करके लूंगी, मतलब जो भी कलर लूंगी ना। और अगर आप मेरी स्किन टोन देखें ना, तो मतलब मेरी जो स्किन टोन है ना, मतलब ना तो मैं बिल्कुल मैं कहूंगी कि मैं बिल्कुल गोरी चिट्टी हूं कि मतलब वो अंग्रेजों वाला कलर भी नहीं है, और ना ही मतलब बिल्कुल ना मैं कहूंगी कि मेरा कलर मतलब ठीक है। जो फेयर कलर एक होता है ना, फेयर कलर जो हमारे पाकिस्तानी लोगों को होता है, वो बोले मतलब मेरी स्किन टोन थी। तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि मतलब ये न्यूड आप देखें ना, आप लोग शेड्स में भी देखें, ये काफी मतलब सही लग रही है, गोरी लग रही है, मतलब मैंने कहा था ठीक है ये सही रह जाएगी। इसलिए मैंने फैसला किया चलो मैं ना न्यूड खरीद लेती हूँ। और कुछ मैंने न्यूड मतलब इसकी जो शेड है ना सिल्क फाउंडेशन की न्यूड, कुछ मैंने न्यूड इसलिए भी खरीदा, मतलब आपको पता न्यूड का मतलब क्या होता है नंगा, तो मैंने सोचा था ठीक है कि मतलब इसका शायद ये भी फायदा है, एक तो ये हाई कवरेज तो होती होती है, लेकिन शायद मुझे लगा इन्होंने न्यूड इसलिए इसका नाम रखा है कि मतलब जब आप लोग उसको लगाएंगे ना तो शायद जो आपकी ओरिजिनल टोन होगी ना, मतलब ज्यादा हाई कवरेज नहीं देगी, या जिस तरह से बंदा ऐसे फेक नहीं फील होगी जब फाउंडेशन लग जाएगी, मतलब अपनी अपनी स्किन नहीं फील होगी, ये सोच के मैंने न्यूड ये वाली कलर ना खरीद लिया। तो अब जनाब मेरे साथ हुआ क्या ये खरीदने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी स्किन टोन मतलब फेयर कलर, जो पाकिस्तान लोगों का फेयर कलर होता है वही था, लेकिन जब मैंने खरीदी, आप यकीन करें आप इसका ये कलर चेक करें ये कैसा है, आप पता नहीं कैमरे में सही नजर आए भी कि ना आए, लेकिन आप यकीन करें ये इतना कोई डार्क कलर है ना, ये देखिए ये आपको शायद ना अभी भी थोड़ा वाइट लग रहा होगा, लेकिन ये आप यकीन करें ये जब मैं लगाती हूँ ना फेस पे तो मेरा मेकअप ना मतलब बिल्कुल मेरा डार्क कलर हो जाता है, इससे मतलब फेयर रहता ही नहीं है। मैंने बहुत दफ़ा ये ट्राई किया लगा के, और जब भी मैं सिर्फ मुसर्रत मिसबाह लगाती हूँ, मतलब इतने पैसे बंदे भरे थे मैंने ये जब भी ली थी ना, तब ये 2750 के थे, अब तो शायद इसकी कीमत कुछ 2950 तक पहुँच चुकी है। तो मैंने बड़े शौक से ली थी कि मैं मुसर्रत मिसबाह लूँगी मुसर्रत मिसबाह लूँगी, लेकिन आप यकीन करें मैं जब भी ये वाला शेड लगाती हूँ ना, तो सारे मुझे कहते हैं ये क्या हुआ, जब तुमने मेकअप नहीं किया था तब तुम इससे ज़्यादा वाइट लग रही थी, जब तुमने मेकअप किया है तो मतलब ना ये मेकअप करने के बाद ना मेरे 2 टोन्स नीचे चली जाती है, ये कि थोड़ा स्किन वो मतलब फेयर तो होती है उस हिसाब से, मतलब जिस तरह कहते हैं बैलेंस एक हो जाती है, लेकिन जो मेरा कलर होता है ना वो 2 शेड्स नीचे गिर जाता है। तो मैं हैरान हूँ कि पता नहीं इन्होंने इतनी बड़ी गलती क्यों की इन शेड्स को बनाने में, हालांकि आप चार्ट पे भी देखो तो ये काफ़ी वाइट लग रही होती है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये ना मतलब इतनी वाइट नहीं है, ये फेयर कलर नहीं है। और हमारे पाकिस्तानी को जिन मतलब जिन लड़कियों का फेयर कलर है ना, मैं उनको कहूँगी रेकमेंड करूँगी कि वो ये कभी भी ना खरीदें, ये वाली न्यूड ना इसका न्यूड शेड कभी भी ना खरीदें, क्योंकि मुझे इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। मैं आपको गौर से दिखाऊँ शायद नज़र नहीं, इसमें ना सही कैमरे में नज़र भी नहीं आ रहा है, कैमरे में पता नहीं सही नज़र आए कि ना, इसमें थोड़ी वाइट लगी, लेकिन यकीन करें ये ना मेरे 2 शेड्स ना नीचे कर देता है। तो बाद में मैंने ये सोचा कि शायद ना मुझे इवोरी लेनी चाहिए थी, हालांकि इवोरी वहाँ पर थोड़ी डार्क लग गई, लेकिन ना मुझे लगता है इवोरी जो इसका शेड है ना मतलब सिल्क फाउंडेशन में, वो थोड़ा ना है पिंकिश टोन में जाता है, पिंकिश पिंकिश और प्यारा लगेगा। तो मैं मतलब ना मैंने इससे 3-4 दफ़ा कोई मेकअप किया है, और जब भी मैंने मेकअप किया ना सब ने मुझे कहा कि नहीं नहीं तू तो काली हो गई है, और तूने ये क्या किया इसे, जब तूने मेकअप नहीं किया था मुंह धोया हुआ तेरा ज़्यादा वाइट लगता है, फेयर कलर लगता है, इसके बाद खराब लगता है। तो अब
मैं क्या करती हूँ, अब मैं ये करती हूँ, ये वैसे ये देखे जब मैंने ये खरीदी थी ना इतनी मुसरत मिसबाक इतनी महंगी 2750 की फाउंडेशन खरीदी थी, उसके साथ ही मैंने अलग एक बहुत बड़ा खर्चा भी किया था। ये ना इंसिग्निया का ब्रश है, ये बेस फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए यूज़ होता है। तो मैंने सोचा इतनी महंगी, जब मैंने सोचा था कि जब इतनी महंगी ले रही हूँ फाउंडेशन तो फिर ब्रश भी थोड़ा महंगा ले लेती हूँ, तो ये मैंने तकरीबन मुझे लगता है कि तब मैंने लिया था कोई ना 900 पता नहीं 1000 का लिया था ये ब्रश, लेकिन ये वाकई ब्रश बहुत अच्छा है। ये ब्रश मेरे इतना काम आ रहा है कि मतलब चलो ये तो थोड़ी बेकार निकल गई, मेरी अपनी गलती थी, अब मैं सारों की मिनते करती फिर तो कोई मेरे से चेंज कर ले शेड जिसको थोड़ा डार्क हो तो मुझसे कहते कि चलो मुझे चेंज कर ले, लेकिन अब भला कौन करता है, सारे सियाने वक्त नहीं कोई ना कोई रोना है जो तू चेंज करती है। तो अब जनाब मैं ये करती हूँ कि मतलब ना ये पहले मैं लगाती हूँ फेस पे, क्योंकि अब जाहिर इतनी महंगी चीज़ जब ली हो तो फिर बंदा उसको फेंक तो सकता नहीं है, फिर कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। ये आपको लग रहा होगा वाइट, लेकिन ये बिल्कुल वाइट नहीं, अब यकीन करें ये मेरे ना टू टोन्स नीचे कर देते हैं। तो अब फिर ये मैं लगाती हूँ और उसके बाद ना मैं ये वाली ये जो है होते हैं ना फाउंडेशन, ये सर्दियों में वैसे भी ऑयली स्किन पे बहुत बेस्ट रहते हैं। और अब जब भी ब्रश से लगाएं ना तो आप इस पर पहले लगाया करें फाउंडेशन, तो हमें वो लगाने के बाद ना उसके ऊपर इस तरीके से ब्रश पर लगा के ना और फिर इसके ऊपर ऐसे कर देती हूँ टैप 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 टैप, ये लगा देती हूँ ऊपर, मतलब इसको वाइट करने के लिए। वैसे तो मतलब बराबर होता है, फिर वो कहते हैं बंदा कोई जुगाड़ लगाता है कि अब कोई ना कोई जुगाड़ लगा के ठीक तो करना ही होता है। तो ये मैं लगाती हूँ, इसे देखिए कितना बैलेंस होगा। उसके बाद पहले ये लगाने के बाद फिर ये वाली बेस लगाने के बाद फिर मैं ये ग्लैमरस का जो फेस पाउडर है ना उसके बाद मैं ये लगाती हूँ, तो फिर कहीं मेरी जाके ना थोड़ा मेकअप ठीक होना शुरू हुआ है, वरना तो मैंने बीच में तो इतना मुसरत मिसबा को यूज़ करना ही छोड़ दिया था। ये देखिए अब देखिए अब ये बैलेंस हुआ है, अब देखिए अब थोड़ा प्यारा लग रहा है, मतलब वो बुरा नहीं लग रहा, पहले तो ना बहुत बुरा लग रहा था, अकेला अगर वो लगाते हैं फिर वो बहुत ही ना अजीब सा ब्लैक सा मेरा कलर हो जाता है। ये देखिए तो अब ये ना बैलेंस, आप भी अगर मतलब गलती से आपसे थोड़ा डार्क शेड आ जाए और आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर हो तो आप इस तरीके से बेस लगा सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा चलो ये भी सारा आपको ना बता देती हूँ। तो बस मैं यही कहूँगी कि जब भी आप लोग फाउंडेशन है ना खूब सोच समझ के लें, और जिनकी फेयर स्किन है मतलब पाकिस्तानी जिनका फेयर टोन है जो किसी भी मुल्क मतलब फेयर स्किन है ना वो कभी भी ये न्यूड शेड ना लें, और ये सोच के ना लें कि बड़े आप लोग अगर न्यूड शेड लेंगे तो बड़ी ओरिजिनलिटी आएगी, मतलब फेक फेक मेकअप नहीं लगेगा और बड़ा वो सेटल्ड मेकअप लगेगा, लेकिन नहीं मुझे तो ये बहुत ही डार्क शेड लगा है। तो जिनका फेयर हो मतलब इसके ना वैसे ही उन्होंने पता नहीं क्या सोच के बनाए थे, अगर मुसरत मिसबा वाले खुद भी मेरी वीडियो देखें तो वो ज़रूर इस बात को पर ध्यान दें कि उन्होंने ज़्यादातर शेड जो निकाले ना वो बिल्कुल डार्क हैं, पता नहीं वो मतलब ज़्यादा जो जले हुए मेकअप ज़्यादा करते नहीं क्या रोना, मतलब इनकी डार्क शेड्स ज़्यादा हैं, वाइट शेड्स बहुत कम है। अब इसके बाद ना देखिए अब सिर्फ दो ही शेड्स बचती हैं, एक बचती है पोरोसिलेन जो कि बिल्कुल मुझे तो लगता है कोई भी नहीं यूज़ करेगा, इतना पीला मुँह कौन करेगा, और एक बस इवोरी बचती है, वैसे इवोरी का मुझे लगता है कि वैसे वो बेस्ट होगी फेयर लोगों के लिए, जो थोड़े से मतलब जिनकी स्किन ठीक, और बिल्कुल मैं फिर चिट्टे अंग्रेजों की बात नहीं कर रही और ना ही मेरी स्किन ऐसी मैं कहूँगी बिल्कुल मैं अंग्रेज हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि चलो ना इससे बेस्ट मुझे अब ये लगता है, मैं बार बार सोचती हूँ कि अब मैं अगली दफ़ा अगर खरीदूंगी भी ना तो मैं इवोरी की खरीदूंगी। और बंदा ये मुसरत मिसबा खरीदता भी इसलिए क्योंकि इस सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस इतनी तरीफें कर रही होती है ना इस बेस की, किसे मेकअप बहुत अच्छा होता तो बंदा लालच में आ जाए, चलो बंदा कहता चलो खरीदता है कैसा होगा। तो अगर जिंदगी में मैंने कभी दोबारा ये बेस खरीदी तो मैं मतलब मैं एक दफ़ा इवोरी ट्राई करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद उससे ना अच्छा मेकअप होगा। लेकिन ये अगर इसके बारे में पूछे तो प्लीज़ यार ये जो ये मत खरीदेगा, जिनका फेयर कॉम्प्लेक्शन है ना इवोरी आप लोग ट्राई कर लें, और फिर उस इससे नीचे तो बिल्कुल भी ना जाए कि बंदा क्या एलमंड ले लो और जो बाकी शेड्स तो बिल्कुल भी ट्राई ना करें, ये बिल्कुल भी मतलब फेयर नहीं है, जो आप यकीन करें ये बहुत डार्क है, पता नहीं क्यों, ये देखें गौर से देखें, ये देखिए इसकी बहुत डार्क शेड है यार, ये देखिए अब इधर से भी अगर ये देखें ये गौर करें तो ये डार्क है, और आपको ना आपके फेयर स्किन को टू टोन्स मतलब डार्क कर देता है लाइट करने के बजाय। तो आप लोगों ने जो गलती मैंने की है वो गलती आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी, और मैं बल्कि उन लोगों से कहूँगी जो मुसरत मिसबा ना खरीदना चाहते हैं वो मुसरत मिसबा की फाउंडेशन सिल्क फाउंडेशन खरीदने से पहले ना मेरी ये वीडियो एक दफ़ा लाजमी देख लें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत यूजफुल साबित होने वाली है। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और ये देखिए वैसे कि सारा कुछ यूज़ करने के बाद ना ये होता है कि पूरी ना सील हो जाती बेस, और ये आपकी बिल्कुल परमानेंट हो जाएगी, मतलब उतरेगी भी नहीं बिल्कुल भी, ये देखिए बिल्कुल सील हो गई है बेस, बिल्कुल ना अंदर से कोई नजर आ रहा है। वैसे ये सारी चीज़ें अगर यूज़ करना कि मतलब आप गलती से ऐसी आ भी जाए फाउंडेशन, तो वैसे ये बेस भी बड़ी ज़बरदस्त है, मैं आपको बताती हूँ कौन सी है, ये मैंने बहुत पहले ली थी ये ना, ये देखिए फोटो फिक्स पेंट स्टिक है, ऐसी स्टिक्स ना ये खासतौर पे सर्दियों में ना नहीं नहीं वैसे गर्मियों में ज़्यादा काम आती हैं, इसलिए तो सर्दियों में इसकी मदद से लगा रही हूँ ब्रश की मदद से, और ब्रश की मदद से ऐसे बहुत ज़बरदस्त लगती है ये, वैसे वाकई हाईली रिकमेंडेड है ये वाला ब्रश इंसिग्निया का, बहुत ही ज़बरदस्त है ये, इससे फाउंडेशन बहुत अच्छी अप्लाई होती है। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और साथ में चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।